जिला संभल में मानव विकास जनसेवा समिति ने प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम सदारत में माननीय शिक्षा मंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के लिए उपजिलाधिकारी को संभल में डिग्री कॉलेज के लिए ज्ञापन दिया। आपके द्वारा मुरादाबाद मंडल बरेली में डिग्री कॉलेज देने की घोषणा की। समिति सराहना करती है कि संभल को भी एक डिग्री कॉलेज दिया जाए। मलिक हमारा ऐतिहासिक शहर है, शिक्षा के मामले में हमेशा संभल आगे रहा है। संभल में मात्र एक ही डिग्री कॉलेज है। यह बच्चों को संभल शहर छोड़कर दूसरे शहर में पढ़ने जाना पड़ता है। जिस फैमिली के बच्चों पर फाइनेंस नहीं होता, वह बच्चे इंटर करने के बाद आगे भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमारे शहर संभल को वंचित ना किया जाए। जिला संभल को एक नया डिग्री कॉलेज खोला जाए जिसमें सारे बच्चे पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बना सके। बताइए क्या मामला था जो आज आपने ज्ञापन दिया है? ये आज हमने जो ज्ञापन दिया है संभल के जो है शिक्षा के लिए हमने ज्ञापन दिया है। अभी कई दिन के पेपर में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ की हमारे जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री प्रीति गौतम जी ने क्या हमने बयान पढ़ा था कि हम मुरादाबाद और बरेली मंडलों को 7 डिग्री कॉलेज दे रहे हैं और उसमें जो है हम उसे बहुत जल्दी इसका निर्माण कराने जा रहे हैं। तो हमारी ये मांग हमारा SDM साहब के द्वारा है शिक्षा मंत्री से कि संभल को उससे वंचित न रखा जाए, क्योंकि संभल एक ऐतिहासिक शहर है और शिक्षा से बहुत दूर है। हमारे इन भ्रष्ट नेताओं ने शिक्षा से बहुत दूर रखने के लिए हर प्रयत्न हमारे नेताओं ने किया है। हम उनको कम से कम ये चाहते हैं कि किसी नेताओं के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री खुद आकर के इसकी नींव रखें, इसका निर्माण कराएं। हमारे संभल को जो है इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और जो हमारे यहाँ के भाई बंधु हमारे बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं उनको जो है शिक्षा प्राप्त करने का। अच्छा, ये जगह जगह NGOs ये आवाज़ उठाती रहती हैं, संभल शहर को क्यों वंचित किया जाता है, इस मामले में आप क्या कहते हैं? हाँ, इसमें जो है हमारे जैसे लोग कहते हैं कि 10 लोग छप्पर चढ़ा रहे होते हैं और एक हथेली लगाकर छप्पड़ों को रोक देता है, तो विकास जो संभल का रुका है हमारे इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से रुका है। सामाजिक संस्थाओं ने, चाहे वो कोई भी संस्था रही हो, जी जान से 8-9 वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ लोग सड़कों पर हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने उन विकासों को जो होते हुए जो सरकार चाहती थी विकास करना चाहती थी इन्होंने रोकने का काम किया। तो क्या ऐसे नेताओं को पब्लिक को साथ देना चाहिए? बिल्कुल, उनका बहिष्कार करना चाहिए और इन्हें सबक सिखा देना चाहिए और छठी का दूध भी दिला देना चाहिए कि अगर तुम विकास नहीं करोगे तो तुम्हारा यही अंजाम होगा।